भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड उनकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सहस्रदेवजल भगवान जी के शिष्य चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से बहुत लंबे अर्थ के बाद सत्संग आरंभ करते हैं। प्रभु जी अपनी कृपा आशीर्वाद से बच्चों को दक्षिण योग यात्रा में ले गए थे, अपनी कृपा से बच्चों को वापिस उत्तर भारत में अपने अपने स्थानों पर ले आए हैं। और प्रभु जी की बहुत ही कृपा रही, बहुत सत्संग मिला, जन कीर्तन सुनने को मिला, भक्तों की बड़ी अलौकिक अनुभूतियां सुनने को मिली, भक्तों के प्रेम पूर्ण भाव महसूस करने का मौका मिला, बहुत ही रूहानियत बरसी। कहते हैं कि जहां भक्त के द्वारा प्रेम का दरिया बहता है, उस दरिया में स्नान करने के लिए भगवान ब्रह्मलोक दिव्यलोक से धरती लोक पर आ जाते हैं। ऐसे हमने पाया दक्षिण भारत के उन पवित्र मंदिरों में जहाँ भगत बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति में लवलीन थे, प्रभु को स्वयं हमने उस वातावरण में, उस पवन धाम में पाया। बहुत रूहानियत बरसी, रहमत बरसी प्रभु की। भक्त उस आनंद को पाकर गदगद हो गए। भक्तों ने यह संकल्प किया कि प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखे कि हर वर्ष हम दादा गुरुदेव जी की जन्मदिन बनाने के लिए दक्षिण भारत जाए, गुरु की आज्ञा का पालन करें और उनकी कृपा करुणा आशीर्वाद को प्राप्त करे। आइए, पिछले सत्संगों में गीता सार के अंतर्गत भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की चर्चा चल रही थी। पिछले सत्संग में 11वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, जिसमें भगवान के विश्व रूप दर्शन का वर्णन है, उसके पर सत्संग चल रहा था। आइए आज का सत्संग आरंभ करने के पहले योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी उनकेश्वर भगवान सत्स्वरूप सदगुरु प्राणाधार देवीदयाल भगवान जी के श्री चरण कमलों में अष्टांग प्रणाम करके उनके चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं कि प्रभु वाणी में शक्ति दो, बुद्धि में विकास दो और आत्मा में प्रेम भाव भर दो, जिससे कि आज का ये सत्संग का लाभ हम प्राप्त कर सके। घट में बैठकर प्रभु हमें ज्ञान दो, हमें ध्यान दो, बल दो, बुद्धि दो और अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद का वर्षा हम बच्चों पर बरसा दो। इसी प्रार्थना के साथ गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार रोम रोम श्वास श्वास कोटिश कोटिश प्रणाम स्वीकार हो। आप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अबोध दासी सत्संग आरंभ करने जा रही है। आप जी के चरणों में बार बार प्रणाम। पिछले अध्याय में विश्व रूप दर्शन में अर्जुन के प्रार्थना पर भगवान ने अर्जुन को राट रूप दिखाया, क्योंकि जब तक प्रभु कहते हैं
जब तक जीव को ज्ञान ना हो तब तक उसके अंदर से मोह अज्ञानता का अंधकार का नाश नहीं होता। भगवान ने अर्जुन को बार बार समझाया, अर्जुन अनासक्त होते हुए अपने कर्तव्य को करो, कर्म को करो। तुम युद्ध क्षेत्र में आए हो, अपने धर्म का पालन करो। तुम क्षत्रिय धर्मी में, क्षत्रिय परिवार में तुमने जन्म लिया है, तुम्हारा धर्म कर्तव्य का पालन युद्ध करना, अधर्मियों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। परंतु अर्जुन मोहयुक्त होते हुए अपने परिवार वालों को विपक्ष दल में देखते हुए बहुत भयातुर हो रहा था। गांडी उसके हाथ से गिर गई और वो बिल्कुल निर्बल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। युद्ध करना मेरे वश का नहीं। भगवान ने बहुत ज्ञान दिया, अर्जुन को समझ नहीं पड़ी। हार मान के अर्जुन ने जब भगवान को प्रार्थना करी, प्रभु आप अपने जिस रूप का वर्णन कर रहे हैं, आप उस रूप का मुझे दर्शन दें। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिया, जिसमें अर्जुन ने देखा भगवान का रूप, हजारों बाहु, हजारों मुख वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवता, 3 लोक भगवान के अंदर समाये हुए हैं, और जितने अधर्मी हैं वो सब भगवान के मुंह से जो ज्वाला निकल रही है उसके अंदर प्रवेश करके उनका भस्म हो रहा है। इस प्रकार का भयानक रूप देखकर अर्जुन बहुत ही भयातुर हो गया और उसके अंदर ज्ञान की जो जाग गई वो भगवान के इस विष्णु के दर्शन करके भगवान के चरणों में पड़ के वो बार बार प्रभु को प्रणाम करने लगा। प्रणाम करके वो उसे प्रार्थना करी, प्रभु अब कौन हो इस रूप में, आपका ये ऐसा उग्र रूप जानकर मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रभु मैं आपके इस रूप को देखकर ऐसे कांप रहा हूं, आप मुझे चतुर्भुजा, शंख गदा पद्म शंख, शंख गदा पद्म चक्र धारी वो चतुर्भुज के चतुर्भुजी रूप का दर्शन दिखाकर मेरे मन को शांत करे। मेरा मन आपके इस विशाल रूप को देखकर ऐसे कांप रहा है। जिस प्रकार योगदेव दर्शन में गुरुदेव ने वर्णन किया कि जब दो भक्त कानीराम और प्यारेलाल ने प्रभु जी को प्रार्थना करी, हे प्रभु कृपा करके हमें अपना विश्व रूप के दर्शन दिखाओ, रामलाल प्रभु जी ने मना किया, नहीं बेटा मेरे उस रूप को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। परंतु भक्तों के बार बार प्रार्थना करने पर प्रभु दया से प्रेरित होकर रामलाल प्रभु जी ने भक्तों को विश्व रूप के दर्शन दिखाए। उस दर्शन को देखकर दोनों भक्त त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए मूर्छित हो गए। प्रभु जी ने अपनी शक्ति से उन्हें शक्तिपात किया और उनकी चेतना वापिस लौट आई। उसी प्रकार अर्जुन को जब भगवान ने विष्णु के दर्शन दिए तो अर्जुन बहुत ज्यादा
भयभीत होकर कांपने लगा। तब भगवान ने कहा, अर्जुन मैं कालों का महाकाल, मैं युग युग में अवतार लेता हूं धर्म की स्थापना हेतु और अधर्म का नाश के लिए। उसी प्रकार महाप्रभु रामलाल जी के बारे में कहा जाता है, महाप्रभु रामलाल जी गुरु के गुरु हैं, प्रभु के प्रभु हैं। रामलाल प्रभु जी त्रेता युग में राम वर कर आए, धनुष बाण उठाया और रावण समेत तमाम पापियों का जिन्हें विनाश किया। उसी प्रकार प्रभु जी द्वापर में आए, सुदर्शन चक्र लिया किशोर रूप में और कंस जैसे अत्याचारियों का प्रभु ने विनाश करा। वही प्रभु रामलाल के नाम से कलिकाल में प्रभु जी ने योग का अस्त्र उठाया और संकल्प किया कि योग के द्वारा मैंने पापी आत्माओं को पुण्यात्मा बनाना, जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया के प्रति आसक्ति कामना वासना से जो उत्प्रोत है, उन अधर्मियों को मैंने योग के राह दिखाकर उनके पापों को दग करना है, उन्हें पुण्यात्मा बनाना है और परमात्मा के पद पर उनको लेकर आना है। आप रामलाल जी का हम जैसे कलियुग के बच्चों के लिए बहुत ही महान उपकार। वही महाप्रभु रामलाल जी द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन तू युद्ध क्षेत्र में लड़ाई कर या ना कर, ये जो योद्धा खड़े हैं ये नहीं रहेंगे, ये मेरी शक्ति से सब मरे हुए क्योंकि अधर्मी है, केवल तुझको राज्य का वैभव प्राप्त करवाने के लिए और यश दिलाने के लिए मैं बार बार तुझे आज्ञा दे रहा हूं, युद्ध क्षेत्र में आ जा और युद्ध कर। ये सभी जितने विपक्षी विपक्ष में ये अधर्मी खड़े हैं सभी मेरे से मारे हुए हैं, क्योंकि अर्जुन तू मुझको अति प्रिय है, तू मेरा सखा है, मैं संसार में तेरे यश कीर्ति को स्थापना करने के लिए इस युद्ध में तुझको माध्यम बनाना चाहता हूं, इसलिए तू युद्ध के लिए तैयार हो। भगवान के शब्दों में पाने को यश ही खड़ा हो तू अब, इन्हें जीत ले राज वैभव ये सब मारे गए पहले मुझसे ही, अर्जुन तू उठ बन निमित्त मात्र ही। भीष्म द्रोण जयद्रथ कर्ण भी मर चुके, बाकी भी योद्धा सभी, डरना तू अर्जुन इन्हें मार अब, जीतेगा युद्ध में तू दुश्मन से ये सब। दुश्मन से जो तेरा युद्ध होगा अर्जुन, इस युद्ध में तेरी जीत होगी। अब संजय धृतराष्ट्र को ये सब कथा सुना रहा है। संजय कहता है, भगवान केशव के सुनिए वचन, जोड़े हाथ दर कांप करके नमन, प्रणाम करके श्री कृष्ण को बोला, तब अर्जुन युग गदगद हो। भगवान के ये वचन सुनकर अर्जुन बिल्कुल कांपता हुआ बार बार भगवान को प्रणाम कर रहा है। प्रणाम करते हुए अर्जुन गदगद होकर भगवान को
प्रार्थना कर रहा है क्या, प्रभो आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग, असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करे नमन सिद्ध सप्त में। हे भगवान, सारा संसार आपके कीर्तन करके बहुत हर्षित होता है और उनके हृदय में प्रेम जागते हैं। जैसे अभी आप लोग प्रभु प्रेम में भजन गा रहे थे, मन बड़ा हर्षित हो रहा था, बहुत आनंद में झूम रहा था। कितने भाव से आप अपने प्रभु को रिझाते हो भजन के माध्यम में, प्रभु आपके इन भावों को ग्रहण करते हैं और आपके भाव के अनुसार आपको आशीर्वाद देते हैं। कहते भाव ही भव कारणम, जो भक्त भगवान को जिस भाव से पूजता है, जिस भाव से जानता है, भगवान उसी भाव से उसको आशीर्वाद देते हैं। मां यशोदा ने भगवान को बाल रूप से माना, उनको वही प्यार मिला। मीरा ने अपने पति स्वामी रूप से माना, मीरा को वही प्यार मिला। राधा ने अपना सर्वस्व माना, राधा को वही रूप मिला। सूरदास ने भगवान को सखा माना, अपना बल माना, भगवान ने उसी रूप में उन्हें सब कुछ दिया। यानी कि जिस युग में जिस भगत ने भगवान को जिस भाव से भजा, भगवान ने उसी भाव में आकर उन्हें सब कुछ प्राप्त करा दिया। अभी बच्चे गा रहे थे, मैं भी महाराज के चरणों में जन काफी गाती थी, भाव का भूखा हूं मैं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। सत्संग में आप जाते हो, आपके हृदय में गुरुदेव के प्रति बहुत प्रेम भाव है, क्योंकि इस सत्संग में केवल गुरु की महिमा गाई जाती है, गुरु चरणों में भक्ति के गीत गाए जाते हैं, इससे अंतकरण शुद्ध हो जाता है, मन के मैल सब धुल जाते हैं, क्योंकि संसार तो मन वचन कर्म से आपके ऊपर कीचड़ डालता रहता है, आपके मन को बेला करने की कोशिश करता रहता है, दुख देता है, कष्ट देता है, वाणी से, कर्मों से, शब्दों से। तो जब हम सत्संग में आकर गुरु के प्रति भाव विभोर होकर भजन गाते हैं, सुनते हैं, गुरु के प्रेम में ये मन का क्लेश सब मिट जाता है, मन आनंद प्रेम में गदगद हो जाता है। महाराज जी फरमाते हैं, अगर तुम अपने अंतःकरण को धोना चाहो, उसके लिए बहुत एक सरल उपाय है, क्या है, प्रभु का भजन करो और प्रभु के भजन गाओ और प्रभु प्रेम में डूबे रहो, अंदर का सारा क्लेश, अंदर का दुख, परेशानियां सब समाप्त हो जाए। तो अर्जुन भी वही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है, क्या, हे प्रभु आपका कीर्तन करके सारा संसार हर्षित होता है और प्रेम विभोर होता है, इसके विपरीत क्या होता है, असुर आपके दर्शन पाकर डर के मारी
चारों दिशाओं में भाग जाते हैं। उसके विपरीत जितने सिद्ध मुनि बार बार आपको नमन करके आपसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आगे अर्जुन कहता है, ब्रह्मा के आदि प्रभु आपको आपके क्यों ना नमन करें, सत या असत से परे आपको ये प्रभु सब कुछ आप हो, आप में ही सारा संसार बसाओ, क्यों ना लोग आपकी पूजा करें, आप आदिदेव हैं, सनातन भी है, परम धाम है, प्रभु आपका सहारा है, आप सर्वज्ञ है, एक आप ही तो जानने योग्य है। इस प्रकार का ज्ञान अर्जुन को कब आया, जब भगवान ने अपना विश्व रूप के दर्शन अर्जुन को कराए, तभी बालाजी हमें बार बार उपदेश करते हैं, हम ध्यान में बैठे, जितना ध्यान में बैठेंगे हमारी चेतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाएगी और हमें भारत जी के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। जब गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं तो हमारे अंदर की ज्ञान जाग जाती, ज्ञान से ही ध्यान और बढ़ता है। जितना ध्यान बढ़ाओगे उतना परमात्मा को प्राप्ति की ओर, यानी के स्वयं अपनी आत्मा की प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़ोगे। आत्मा की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि आत्मा का विश्वव्यापी स्वरूप को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अविनाशी अंश आत्मा हम सभी के अंदर विद्यमान है। हमारा एक ही धर्म है कि हम इस आत्मा को चमकाएं, उसके लिए ध्यान और ध्यान के द्वारा गुरु के दिव्य दर्शन को प्राप्त करके हम ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान के द्वारा ही हम गुरु को जान सकेंगे। वही अर्जुन कहता है, जब भगवान ने विष्णु के दर्शन दे दिए, अर्जुन को भगवान के बारे में पता चल गया, ज्ञान हो गया उसको, क्या कहता है, हे प्रभु आप ही तो सब में हैं, आप ही तो जानने योग्य हैं, वायु भी आप हैं, यम भी आप हैं, अग्नि आप हैं, वरुण आप हैं, चांद आप हैं, सूरज आप हैं, आप ब्रह्मा भी हैं, ब्रह्मा के पिता भी हैं, आप परम परमेश्वर है। हे प्रभु बार बार हजारों बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं आगे पीछे चहु ओर से आपको प्रणाम करता हूं, आपके अंदर मुझे सारी सृष्टि दिखाई दे रही और सारी सृष्टि में प्रभु केवल आप ही आप। इस प्रकार जब हमें प्रभु की सत्ता का ज्ञान हो जाता है तो हमारे अंदर की अहंकार चली जाती है। जब तक प्रभु की सत्ता का ज्ञान नहीं होता तब तक ये अहंकार के घोड़े में जीव चढ़ा रहता है और पाप कर्म करता है। अहंकार जीव के द्वारा पाप कर्म करवाती है। अहंकार के नशे में जीव इतना मगरूर हो जाता है, उसके उसको पाप और पुण्य का भेद का ज्ञान ही नहीं, न गुरु का ज्ञान, न गुरु की शक्ति का ज्ञान, न भगवान का ज्ञान। तो यानी कि उसके ऊपर अभी गुरु की कृपा नहीं हुई। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उस जीव उस शिष्य के अंदर अहंकार समूल नष्ट हो जाता है। वो इतना नम्र हो जाता है, उस नम्रता के कारण गुरु भगवान की
कृपा को प्राप्त करता है और सर्वप्रिय बन जाता है, जिसके ऊपर, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसा पावे, जिसके सिर के ऊपर गुरु का हाथ ना हो भगवान भी उसे दूर है। गुरु के बिना हम सोचे भगवान को पालेंगे, गुरुदेव की कृपा के बिना क्या सोचते हैं हम महाप्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, दादा गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। केशव भगवान ने देवीदास भगवान को वरदान दिया, बेटा जो तुम्हारे शरण में आएगा मैं और महाप्रभु जी अंग संग उसके रक्षक बनेंगे, जो तुम्हारे विरुद्ध जाएगा हम उसे नींबू की तरह निचोड़ भी देंगे। ये दादा गुरुदेव ने मेरे प्राणादा गुरुदेव को आशीर्वाद दिया, बेटा हमने तुम्हें संसार समुद्र का मलाह बना दिया, जो तुम्हारे शरण में आएगा हम और महाप्रभु से सागर से बेटा पार कर देंगे, जन्म जन्मांतर के पाप तापों से हम मुक्त कर देंगे। वरदान दिया मेरे प्राणाधार गुरुदेव भगवान को दादा गुरुदेव, पर दादा गुरुदेव कितनी बड़ी बात है, एक शिष्य गुरु का आशीर्वाद पाले तो गुरु का रूप भी बन गया। इसीलिए देवीदास प्रभु जी रामलाल मुलकेश्वर भगवान के साक्षात स्वरूप है। जो नहीं मानता है वो घोर अज्ञानी है, वो घोर अंधकार में। इसीलिए हमें वही बात आती है, गुरुदेव को हमें पूरे सृष्टि के मालिक समझना चाहिए, विष्णु के नाथ समझना चाहिए। प्रभु कहते हैं माना प्रभु तुमको अपना सखा, कि अर्जुन का एक अज्ञानता थी, इतने बड़े भगवान को उसे सखा माना। जब तक कृष्ण भगवान ने विष्णु के दर्शन नहीं दिए तब तक अर्जुन सखा ही मानता रहा। वो कहता है कि सखा मानकर मैं कभी प्रेम में बड़ा विभोर हो गया तुम्हारे प्रति, कभी प्रमाद कर गया, कभी तुम्हें कुछ भी मैंने कह दिया, ये प्रभु सोते जागते खाते हंसते अकेले भी मैंने कभी ना कभी शायद तुम्हें अपमान भी कर दिया हो, अब बोल दिया हो हे नाथ अब मैं तुम्हारा असली रूप जान गया हूँ, तुम मुझे माफ करो, तुम मुझे क्षमा करो। भगवान का असली रूप जानने के बाद बार बार अर्जुन भगवान से क्षमा मांगता है, कहते प्रभु अब जान गया हूं मैं तुम चर और अचर जगत के पिता हो, स्वामी हो, तुम गुरुओं के गुरु हो, प्रभु के प्रभु हो, तुम ही पूजने लायक हो, त्रिलोकी में नाथ तुमसे बड़ा कोई नहीं, मैं चरणों में गिरकर तुम्हें प्रणाम करता हूं और तुमसे ऐसा माफी मांगता हूं जैसे पुत्र के गलती करने पे पिता माफ कर देते हैं, पत्नी के गलती पर पति माफ कर देता है, मित्र के गलती पर सखा माफ कर देता है, हे नाथ तुम मुझको ऐसी इस प्रकार माफ कर दो, मैं तुम्हारे विश्व रूप के दर्शन पाकर तुम्हारे बारे में जानकर बहुत हर्षित हो रहा हूं, परंतु मन ऐसे कांप रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारा ऐसा रूप कभी नहीं देखा और मुझे मुझ पर आप प्रसन्न होइए और मुझको वही गदा मुकुट चक्रधारी चतुर्भुजा स्वरूप के दर्शन कराइए, हजारों मुंह वाले हजारों हाथ वाले इस रूप से मेरा हृदय कांपता है। अर्जुन की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन तुमको जो मैंने इतना तेजोमय रूप दिखाया ये रूप
मेरा बहुत बिरला है। लोग वर्षों तक मेरा तप करते हैं तभी भी और मेरे इस रूप के लिए तरसते हैं, मैं फिर भी उनको इस रूप का कष्ट नहीं देता। मैं तुम पर विशेष प्रसन्न होकर तुम्हें अपना इस विश्व रूप का दर्शन दिया। वेदों के पढ़ने में न दान से, न तप से, न यज्ञ से मेरे इस रूप का कोई भी दर्शन नहीं कर पाता। मेरे इस विश्व रूप का दर्शन इस लोक में अर्जुन तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं पाया। मेरा ये विकराल रूप देखकर तुम व्याकुल मत हो, भय छोड़ दो। अब मैं तुम्हें अपना चतुर्भुजा रूप का दर्शन देता हूँ, अब तुम प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार कहते हुए संजय बोलता है धृतराष्ट्र को, भगवान ने इस प्रकार कहकर एकदम अपना विश्व रूप हटाकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और इस प्रकार के उनके भगवान किशन के सौम्य रूप देखकर अर्जुन भय जाता रहा और उसको धीरा जाग गया। अब अर्जुन ने कहा, हे नाथ, ये जगत के भगवान, अब मैं आपका इस मानवी रूप को देखकर शांत हुआ। इस प्रकार भगवान नर रूप में आते हैं, नर रूप में भगवान को देखकर हमें उन्हें नर जैसा नहीं मानना चाहिए। कहते कि जो गुरु को नर रूप में मानता है वो अंधकूप में गिरता है, नरक में गिरता है, गोते खाता नरक। जो गुरु की बाहरी रूप को देखकर नर समझता है गुरु को, भगवान ही समझता, वो शिष्य, वो प्राणी वहां ज्ञानी, वहां पापी, वो नरक में उसको स्थान मिलता है। गुरु गीता में लिखा है, जो नर जाने गुरु को नर समान, उसको कहते हैं कि भिष्टा समझो त्याग, उसको नरक में डसे भृंग और भुकुनाग, नाग डसते हैं उसको। तो इसीलिए भगवान आते हैं, भगवान आते हैं नर रूप में आते हैं, परंतु नर नहीं जानो। महाप्रभु रामलाल जी नर रूप में आए, पुलकेश्वर भगवान नर रूप में आए, देवदार भगवान नर रूप में आए, पर नर नहीं आए, वो नर रूप में आए हैं। हमें ज्ञान, ध्यान, साधना, योग के द्वारा पार लगाने के लिए उन्होंने हमारे कल्याण के लिए अवतरित हुए। नहीं तो ये महापुरुष तो ब्रह्मलोक के निवासी हैं, उन्हें क्या पड़ी है नरचोले में आकर इतने कष्ट पाकर हमारे लिए इतना त्याग करना, इतना तप करना और हमें हमारा कल्याण करना, उनको क्या जरूरत है। पर वो महापुरुष दया से प्रेरित होकर हम बच्चों को कष्टों से बचाने के लिए, हम बच्चों को मुक्ति का राह दिखाने के लिए, मोक्ष का पद प्राप्त कराने के लिए महापुरुष नर चूल्हे में आते हैं। गुरु का ऋण तो हम जन्म जन्मांतरों तक नहीं उतार सकते। गुरु इस शिष्य का कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो संसारिक जीवों का, शिष्य का कल्याण गुरु के सिवा कोई नहीं कर सकता। तभी कहा गया, कबीर इतने बड़े भगत हुए। कबीर क्या कहता है, कबीरा गुरु गोविंद हो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। ये गुरु, मैं आपके चरणों में बलिहारी जाता हूँ, हरी भरे जाता हूँ, क्योंकि मुझे गोविंद मिलाने वाला आप है। मेरे अंदर पापों को नाश करके ईश्वर तत्व जगाने वाले आप है। इस प्रकार अर्जुन शांत होते देखकर जब अपने स्वभाव में टिक गया, भगवान क्या कहते हैं, देखा जो तूने मेरा रूप ये
दुर्लभ बहुत इसका दर्शन ये है। इसी रूप को देखने के लिए सदा देवता भी तरसते रहे। तो लास्ट में कहते हैं भगवान क्या कहते हैं, एक दो सूत्र है, ना वेदों से और ना ही तप से कभी, यज्ञ से ना और कभी दान से ही संभव भला मेरा दर्शन हो कब, जैसे मुझे देखा तूने अब। तूने मुझे जैसे देखा ऐसा दर्शन कोई भी नहीं कर सकता, न तप न यज्ञ न दान किसी भी, न वेद, वेदों का अध्ययन करके भी मेरा इस रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं यज्ञदील हो जो मेरी भक्ति करे, एक तन में तक साथ जो मेरी भक्ति करे, मैं जैसा हूं वैसा मुझे जान ले, जो मैं हूं मुझे उसी रूप में जाने, सफल होता वह देखने में मुझे, परम तप भक्त ऐसा मुझमें मिले, ऐसा परम तप तप करने वाला भगत जो मुझको मैं जैसा हूं वैसा जाने, वे भक्त मुझमें मिल जाता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जो मेरे लिए कर्म करता सभी है मेरे प्रयाण भक्त मेरा ही, ना आसक्ति और ना कहीं भैर है, पा लेता मुझको मेरा भक्त वह। कहता कि जो मेरे लिए कर्म करता है, जो लोग हम महाराज जी के योग का प्रचार प्रसार करते हैं, महाराज जी के लिए कर्म करते हैं, महाराज जी के लिए सत्संग करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते, जो भक्त मेरे लिए कर्म करता है और मेरा परायण हो, यानी कि जो भक्त मुझ पे पूर्ण समर्पित हो, ये प्रभु जैसा राखे उस हाल में राजी है हम, उसी में जिसमें तेरी रजा है, जब हम तेरे हाल में राजी हो, इसको कहते हैं भक्त परायण, ईश्वर परायण, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो, जिसको कहीं आसक्ति नहीं हो, ना कोई किसी से जो इसे बैर नहीं करता हो, ऐसा भक्त मुझको पा लेता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने ये जो दशम अध्याय है जिसका नाम है, ग्यारहवां अध्याय है जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग, इस यज्ञ को समाप्त करता है। पूरा अर्जुन को उपदेश करते हुए अपने भक्त के बारे में बताते हुए, जिस जो मेरा परायण हो, मुझको समर्पित हो, जिसको संसार में कोई आसक्ति नहीं और किसी के प्रति भय नहीं, अर्जुन वह भक्त मुझको ही पा लेता है, अपना जीवन और जन्म को सफल कर लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का ग्यारहवां अध्याय जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग, उस अध्याय का उन्होंने भोग डाला। इति समाप्ति ग्यारहवां अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हे प्रभु आप ही सत हैं, आप ही सत हैं, आप ही सत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के ये सत्संग को समाप्त दूंगी, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप रामलाल जी को, सदा गुरुदेव को, ज्ञानदा सरस्वत स्वामी देवदास जी महाराज, जिनकी कृपा करुणा आशीर्वाद से हमें इस सत्संग की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त होता है, योग जैसा एक सुंदर परम कल्याणकारी मार्ग मिला है, हमारे रोम रोम श्वास श्वास गुरुदेव के चरणों का शुक्राना करते हैं, परम भर प्रणाम करते हैं, यही आशीर्वाद मांगते हैं कि गुरुदेव अपनी कृपा करना, आशीर्वाद हर पल हम बच्चों पर बनाए रखना, जिससे कि हम हमेशा हमेशा आपके वर्त पद पर अग्रसर रहे, कभी ना भटके, और एक दिन परमपिता परमेश्वर का हम साक्षात्कार करते हुए अपना जीवन जन्म को सफल बनाए। इति सत्संग आज के लिए। वो सगुदेव भगवान की जय।